जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो लोग एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं उनका जो है सेकंड का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। वो लोग कैसे अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलते हैं, आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे तो चलते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो मैं फिलहाल एक ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। इसमें आपको टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दे दीजिए सबसे ऊपर आपका साइट खुल किया गया है सरकारी रिजल्ट का, आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए दिखाई दे रहा है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फेस सेकंड एग्जाम एडमिट कार्ड 2022, आपको इसी पे क्लिक करना है। ये देखिए अभी डेट है 6 मई को आया है। उसके बाद चलते हैं, नीचे चलते हैं, ये देखिए दिया है डाउनलोड फेस सेकंड एग्जाम एडमिट कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देखिए इसमें आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आप फॉर्म भरे थे उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको डालना है। उसके बाद इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से मतलब डाउनलोड कर लेना है डाल करके। मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे पास इसका कोई नंबर नहीं है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप अपना जो है इसी तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको ऐसे ही करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो आपको इसी तरह से एडमिट कार्ड जो है एनटीपीसी का डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।